दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका सभी का रीजनिंग डिशी सर यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोडिंग रिकॉर्डिंग की क्लास थर्ड और ये रहेगा अपना एडवांस लेवल ठीक है एडवांस लेवल जो है वो आर एस प्री में कभी कभी पूछा जाता है तो इस लेवल को भी आप देख लीजिए क्योंकि आजकल इस तरह के एग्जाम्पल भी एडवांस लेवल वाले अदर एग्जाम में अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो ये एडवांस लेवल भी आज हम कोडिंग रिकॉर्डिंग का सीख के चलेंगे ठीक है तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ठीक है तो यहां पर कह रहा है पी आर ओ फाइव को लिखा जाता है ओ एस क्यू फिफ्टीन अब मुझे इसमें क्रम देखना है क्रम क्या चल रहा है ठीक है और आप जब तक क्रम को ट्राई करो सीरीज क्या चल रही है इसमें और ओ पी ओ टेन को लिखा जाता है एन क्यू क्यू थर्टी और इसी क्रम में एम ए सी नाइन इसमें लिखा है फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एम ए सी नाइन यूजिंग द सेम लॉजिक ओके मतलब आंसर चाहिए एम ए सी नाइन जो है वो किससे आ सकता है ये आपको पता करना है अब यहां पर क्या सीरीज चल रही है उस सीरीज का हम पता करेंगे यहां पर P से अगर मैं O को देख रहा हूँ तो सर ये माइनस वन होता है यहाँ से आर से एस ये प्लस वन होता है ये प्लस टू होता है पाँच से पंद्रह कैसे ला सकते हैं कि सर तीन गुना होता है यहाँ अगर देखें तो ये माइनस वन है पी से क्यू प्लस वन है ये प्लस टू है और ये मल्टीप्लाई किससे है थ्री से अब इसी क्रम में ये जो है वो इन ऑप्शन में से किससे आ सकता है ये आपको पता करना है यहाँ पे अब वापस से बैक में जाना पड़ेगा आपको जो माइनस वन था उसे प्लस वन करना पड़ेगा तो यहाँ पर आएगा एन और जो प्लस वन था उसे माइनस वन करना पड़ेगा तो यहाँ आएगा z जो प्लस टू था उसे माइनस टू करना पड़ेगा तो यहाँ से आएगा a और ये नाइन जो है कितने का थ्री टाइम मल्टीप्लाई है थ्री से तो जेड एन जेड ए थ्री यानी a ऑप्शन तो a ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा तो ये एडवांस लेवल है देख लीजिए क्रम क्या चल रहा है पहले में माइनस वन फिर प्लस वन फिर प्लस टू और फिर थ्री से मल्टीप्लाई इसी क्रम में ये और इसी क्रम में ऐसा करने पर ये ए ऑप्शन जो है अपना आंसर आएगा ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है हाई लेवल में बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं ये सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है क्या सीरीज चल रही है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इसको लिखा जाता है इसके बराबर ठीक है और इसी क्रम में अच्छा एक और लिख रहा है जब तक आप एक बार सीरीज का पता करें सीरीज का क्रम क्या है ठीक है इसी क्रम में हमें आंसर चाहिए हाँ जी आप देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या क्रम चल रहा है इसमें क्या सीरीज चल रही है वो हमको देखना है अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं आज जो बच्चों हम लेके आए हैं इसका हाई लेवल है एडवांस लेवल है कोडिंग डिकोडिंग का दो क्लास लास्ट टाइम मैंने करा चुका हूँ ये थर्ड क्लास है और ये जो क्रैश कोर्स है ये अपनी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी हैं टॉपिक के हिसाब से पहले ये क्रैश कोर्स में लेके आऊँगा उसके बाद में फिर कंबाइंड टेस्ट पेपर के हिसाब से भी टाइम मिलेगा तो जब अपन को डिस्कस करेंगे मैथ की क्लास भी बहुत जल्दी आपकी रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली हैं और ये रीजनिंग ऋषि सर हमारा एप्लीकेशन है इसको आज ही डाउनलोड कर लेना जिसमें फ्री क्लास टेस्ट सीरीज और नोट्स पीडीएफ ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी ठीक है तो यहाँ पर ये अपोजिट दिख रहा है ओ का होता है एल लव एफ़ का होता है यू फादर अंकल एफ का होता है यू और सी का होता है एक्स और एक्स पर यू का होता है फादर अंकल यू का अपोजिट क्या होता है फादर अंकल होता है और टी का होता है जी जी टी और एस का होता है एच हनी सिंह जबकि इसमें लिखना चाहिए था एफ जी एच लिखना चाहिए था पर इसकी जगह लिख रहा है डी ई एफ अब एफ जी एस से डी ई एफ कितना माइनस है या कितना प्लस है वो सीरीज हमें पता करना है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सर इससे ये माइनस टू है इसका ये माइनस टू है इसका ये माइनस टू है सेकेंड वाले में क्रम देख लेते हैं कि सर पी के है आज़ाद है इंडियन रेलवे है आज़ाद है ये भी यहाँ दूध वाला लव और कॉरेक्स ये आना चाहिए था अपोजिट में पर ये आ रहा है तो ये इससे कितना माइनस है कि सर इसमें भी माइनस टू की सीरीज चल रही है आप बताइए क्या इसी क्रम में आप आंसर निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं कैसे देखिए यहां से आएगा मन ठीक एम का एन मन एम है बिल्कुल है डी आंसर आएगा इसका फिर भी पूरा सॉल्व करते हैं आजाद इंडियन रेलवे लव यहां से इंडियन रेलवे मन और जीटी इसमें माइनस टू करके पी माइनस टू करके के और माइनस टू करके आर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा पूरी क्लास देख लेना ये एडवांस लेवल है इस तरह के एग्ज़ाम्पल जो हैं 2022, 23, 24 में देखे जा रहे हैं जब भी कोडिंग डिकोडिंग को हाई लेवल में करता है तो एग्जामिनर इस तरह के एग्ज़ाम्पल जो है एग्जाम में दे रहा है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे वैसे तो नॉर्मल लेवल वाली दो क्लास हैं वो मैंने करा दी हैं और उनसे आपकी प्रैक्टिस बहुत जोरदार हो गई होगी पर ये एडवांस लेवल भी बच्चों देख के चलिए कि एग्जाम में अगर एडवांस लेवल भी आता है तो इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं वो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि रीजनिंग में बारह नंबर जो हैं बारह परसेंट का मैटर है और बारह की बारह परसेंट मेरा टारगेट यही है आप लोगों के सही हों ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर देखो क्या कह रहा है मिशन मिशन को जो कह रहा है वो कह रहा है एन सिक्सटी फोर ओ इसी क्रम में इसको लिखा जाता है U56F फिफ्टी सिक्स एफ और इसी क्रम में आपसे पूछ रहा है इसका कोड पूछ रहा है ठीक है भाई अब ये ये तो देखो बहुत सारे अक्षर हैं ये अक्षर कम है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सीरीज चल रही होगी तो एक बार कोशिश कर लेते हैं हम यहाँ से अगर एम से एन को देख रहा हूँ तो सर ये प्लस वन है एन से ओ को देख रहा हूँ तो ये प्लस वन है पहला और आखिरी तो प्लस वन हो रहा है यहाँ भी देख लेते हैं लगे हाथ कि सर हाँ ये भी सही है प्लस वन है यहाँ भी सही है प्लस वन है अब मैं इसी क्रम में देखता हूँ तो यहाँ से प्लस वन करूँगा तो एन के बाद ओ आएगा और वाई के बाद प्लस वन करूंगा तो जेड आएगा ये ओ और जेड किसी ऑप्शन में है क्या बिल्कुल सर एक ही ऑप्शन में है ऐसा करने पे देखो दो ऑप्शन में हैं एक में डी आ रहा है एक में बी आ रहा है अभी यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं तो इसका आंसर जो है वो ओ एक तो बी में आ रहा है और एक डी में आ रहा है तो इसका मतलब ए और सी तो आंसर नहीं होगा ये फाइनल है ठीक है अब अगर इनका नंबर मैं लिख के देखता हूँ सबसे पहले यहीं से देख लो एस का होता है उन्नीस ए का होता है एक ई e का होता है पाँच बीस और पाँच पच्चीस आना चाहिए था पर छप्पन आ रहा है मतलब इसका रियल नंबर लिख रहे हैं तो अपना काम नहीं बन रहा है कोई बात नहीं है मैंने दो क्रम बताए थे एक बताया था रियल नंबर वाला स्टार्टिंग में पहली क्लास अगर आपने देखी होगी तो एक अपोजिट क्रम बताया था अपोजिट का बताया था इंडियन रेलवे दूध वाला हनी सिंह आजा याद है आपको एक बार अपोजिट नंबर लिखते हैं एस का होता है हनी सिंह ए का होता है जेड आजा ई e का होता है वी इवनिंग अगर इनका टोटल कर रहा हूं तो ये आठ और आठ सोलह छः और चार छप्पन छप्पन लिखा है बिल्कुल तो अपोजिट नंबर इवनिंग आजा हनी सिंह अपोजिट नंबर का जो टोटल है वो किसके बराबर है फिफ्टी सिक्स के बराबर है ऐसे ही जरा फर्स्ट वाले को भी चेक कर लेता हूँ इंडियन रेलवे हनी सिंह हनी सिंह इंडियन रेलवे लव इनका टोटल करें अगर 18 का डबल 36 हो गया 8 का डबल 16 और 12 हो गया यहाँ से आ गया सर चार आ गया और यहाँ से छः आ गया बिल्कुल इन सब का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 64 आ रहा है इसी क्रम में मुझे इनको आंसर निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से अगर बात करें ए का जेड होता है हनी सिंह और ये जी होता है ठीक है इन सब का अगर टोटल करें 26 में 15 जोड़ूं तो आंसर आएगा 41 क्या कोई ऑप्शन है क्या अपने पास में बिल्कुल सर है आंसर जो आप दे के आएंगे वो डी ऑप्शन आएगा ये एडवांस लेवल है आजकल ये लेवल भी पूछा जा रहा है और ये सारे आए हुए एग्जाम्पल हैं कोई भी एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से अपने घर से नहीं करा रहा हूँ जो पैटर्न थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है मैं उनकी भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि ये पैटर्न जो है आजकल पूछे जा रहे हैं पिछले दो तीन साल के अंदर तो आप इनको देख लीजिए एक बार इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा ये थ्री एग्जाम्पल मैंने करा चुका हूं एडवांस लेवल के बच्चों आपको बढ़ते हैं आगे एग्जाम में एग्जामिनर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ाएगा तो इस तरह के एग्जाम्पल जरूर आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मल लेवल रहता है तो शुरू की दो क्लास रहती हैं उसी तरीके से जो है एग्जाम्पल पूछा जाएगा और थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है तो ये क्लास थर्ड उसी के लिए मैं आपके लिए बना रहा हूं जोरदार तैयारी तो के लिए ठीक है आइए बढ़ते हैं आगे रोहिणी का है थ्री बिहार का कोड है थ्री प्रशांत का कोड जो है वो पूछा जा रहा है अब मेरी बात सुनो यहाँ पर सबसे पहले बात करें बॉबल्स यानी स्वर कौन कौन से होते हैं स्वर होते हैं सर ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट व्यंजन बचे हुए सारे के सारे जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन होते हैं ठीक है व्यंजन होते हैं ये बचे हुए सारे इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे व्यंजन कहलाएंगे अब देखो मेरी बात सुनो यहाँ पर रोहिणी में कितने व्यंजन दिखाई दे रहे हैं कि सर इनमें तीन व्यंजन दिखाई दे रहे हैं बिहार में कितने व्यंजन दिखाई दे रहे हैं कि सर तीन दिखाई दे रहे हैं और इसमें कितने व्यंजन दिखाई दे रहे हैं आपको कि सर इसमें जो हैं दो दो चार और दो छः व्यंजन दिखाई दे रहे हैं तो करेक्ट आंसर आएगा सी अगर बात करूं ऐसे कॉन्सोनेंट वाली सीरीज तो 2013 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो टू में आया था प्री उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल पूछा गया था ये एडवांस लेवल होता है बच्चों याद कर लो मेरी बात मैं समझा रहा हूं आपको कि फिफ्टीन का प्री का एग्जाम देखना आप उसमें यही कंसोनेंट वाली जो सीरीज है व्यंजन वाली जो सीरीज है इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे गए थे ठीक है तो ये व्यंजन को देख के होगा टोटल कितने व्यंजन है छह तो आंसर आएगा छे. तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो क्या कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रीड द कोड का कोड ये है और यहाँ पर डिकोड द कोड का जो कोड है ये है और कोड इज इजी का कोड ये है तो आपसे पूछ रहा है हाउ विल वी मेक वन कोड वी कोडेड दैट लैंग्वेज ओके आपसे कोड पूछा जा रहा है मेक वन कोड का कोड पूछा जा रहा है अब इनमें सभी में अगर मैं देखता हूं तो क्या चीज मुझे कॉमन दिखाई देता है कि सर मुझे इन सब में कोड कॉमन दिख रहा है पहले में दूसरे में तीसरे में सब में कोड कॉमन दिख रहा है और इन सब में मुझे तीन कॉमन दिख रहा है तीन या तीन या और तीन यहाँ तो जाहिर सी बात है यहां से पूछा गया था कि मेक वन कोड का कोड क्या है तो एक तो थ्री तो आना है ये फाइनल हो गया और ये मेक वन जो है वो नए शब्द हैं पुराने में दिखाई नहीं दे रहे हैं मैंने आपको क्लास में समझाया था कि जब भी कोई नए लेटर्स आ जाएँ नए वर्ड आ जाएँ तो वो आपको हमेशा कोड उनका नया ही लेना पड़ेगा पुराने में शामिल नहीं हो सकता तो तीन तो आएगा आएगा ऑप्शन से देख के होगा ये मतलब तीन तो ऑप्शन में होना चाहिए उसके अलावा इन दोनों का नया कोड चाहिए ऑप्शन ही आंसर बताएगा चलिए पहले में ए में तीन ही नहीं है भाई आंसर नहीं हो सकता दो में तीन ही नहीं है आंसर नहीं हो सकता और डी में तीन ही नहीं है आंसर नहीं हो सकता और तीन कहाँ ये है और पंद्रह और तेरह जो है वो ऊपर कहीं मौजूद थे का कोड नहीं थे तो ये ऑप्शन को देखकर जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा इस तरीके से होगा तो ये जितने भी जैसे इस इसके जैसे जो एग्ज़ाम्पल हैं वो हमेशा आपको याद रखना है ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं ठीक है आप बढ़ रहे हैं बच्चों आगे सिक्स नंबर के एग्ज़ाम्पल की बात करें ये सिक्स नंबर का एग्ज़ाम्पल है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे जो अक्षर हैं वो लौट फिर के लिखे हुए हैं बस इसमें सीरीज का पता करना है कि क्रम जो है वो क्या है और उसी क्रम में आपका आंसर आना चाहिए ठीक है आपका इसी क्रम में आंसर आना चाहिए क्या क्रम है वो हमें पता करना है तो यहाँ बच्चों अगर हम इसको देखें तो देखो मेरी बात सुनो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ई जो है वो पहला वाला आखिरी में जा रहा है वो आखिरी वाला स्टार्टिंग में जा रहा है आखिरी वाला स्टार्टिंग में जाएगा आखिरी वाला स्टार्टिंग में जाएगा तो शुरुआत तो एन से होगी ये बात तो मेरी क्लियर हो गई है ठीक है अब यहाँ देखूँ तो सेकेंड फर्स्ट नंबर वाला सेकेंड पर जा रहा है फर्स्ट नंबर वाला सेकेंड पर जा रहा है और फर्स्ट नंबर वाला सेकंड पे जाएगा तो एम आएगा ये फाइनल हो गया यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि डबल ई जो हैं ये आखिरी में जा रहे हैं ठीक है तो डबल ई जो है वो आखिरी में जा रहे हैं और यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो इसी क्रम में अगर देखता हूँ तो दो को छोड़ दो टी -ती। टी 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 जो हैं वो कहाँ जाएंगे आखिरी में जाएंगे और आखिरी में लिखूंगा तो टी टी ये तो अक्षर देखो बच्चों एक जैसे थे यहाँ ई ई था अगर आपस में चेंज हुए होंगे नहीं होंगे तो हमें क्रम पता नहीं है पर सेकंड वाले से क्रम पता चल जाएगा यहाँ जो है इसको चेंज करके लिखा गया है इसको आखिरी में लिखा गया है सी आर ठीक है अब देखो हुआ क्या अब इसमें बच्चे कुचे में क्या क्रम चल रहा है वो देखना है मुझे कि यहाँ से तो लेना है सी और यहाँ से लेना है एल इसी क्रम में हमारा आंसर तो आ सकता है कि यहां से लिया जाएगा सर ई e, और यहां लिया जाएगा आई ऑप्शन देखें एक बार एन एम ई आई एन एम ई आई टी टी एन एम ई आई टी टी यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया अब इसमें भी एक बार क्रम देख लेते हैं क्या चल रहा है कि सर यहां से तो आया है आपके ए यहां से आया है वी फिर यहां से आया है ओ और यहां से आया है ई e. ये क्रम है इसके अंदर ठीक है तो इसके जैसा ये क्रम है इसको देखते हुए फटाफट आंसर आ जाएगा और अगर सेकंड वाले के चक्कर में आप पड़ गए तो सीरीज तो बन रही है पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ये होता है बच्चों एडवांस लेवल ठीक है नॉर्मल एग्जाम्पल पर डबल बार क्रम लिख के इतना घुमा दिया है इसमें अगर आपको सारी चीज़ें सारे अक्षर देखने पड़ेंगे तब आपका आंसर आने वाला है तो पूरी क्लास देख लो एक बार सिक्स नंबर का एग्जाम्पल था ये बढ़ते हैं आगे सेवन नंबर के एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं सेवन नंबर क्या कह रहा है सुनिए सेवन नंबर में आपसे कह रहा है हिस्ट्री का जो कोड है वो एस आर एच जी एल आई बी है ठीक है और रिकॉर्ड का जो कोड है वो है आई वी एक्स एल आई डब्लू उसी क्रम में आपसे कोड पूछा जा रहा है यहां पर क्रम क्या चल रहा है वो क्रम हमें पता करना है सीरीज का क्रम क्या, क्या चल रहा है वो हमें मालूम करना है उसी क्रम में हमारा आंसर आएगा अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में इसका मुझे आंसर देना है सीरीज का क्रम क्या है वो देख लेते हैं भाई एच से एस कैसे आ सकता है कि सर ये अपोजिट होता है ये है हनी सिंह ठीक है आगे भी क्रम कितना बनना है ऑपोजिट का वो देख लेते हैं इंडियन रेलवे हनी सिंह जीटी लव इंडियन रेलवे बॉय ये तो ऑपोजिट मिल रहा है सेकंड में चेक करते हैं इंडियन रेलवे इवनिंग कॉरेक्स लव इंडियन रेलवे दूध वाला बिल्कुल पूरा ऑपोजिट है भाई आजा इंडियन रेलवे कॉरेक्स हनी सिंह इंडियन रेलवे इवनिंग और इवनिंग ऑप्शन जेड आई एक्स आर जेड आई एक्स एस आर ई बी जेड आई एक्स एस आर ई बी सी ऑप्शन फिलहाल जो कह सकता हूँ कि सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पूरी क्लास देख लो इस तरीके से जो ये सॉल्व हुआ है वो सेवन नंबर है एट नंबर का एग्जाम्पल मेरी आंखों के सामने आ रहा है एट नंबर में भी हमें पता करना है सीरीज का क्रम क्या है एक बार देख लेते हैं इसको भी ठीक है सेकंड वाले में भी क्रम पता कर लेते हैं कि कोई चेंज तो नहीं है और ये कोड इसका पूछ रहा है यहां पर बच्चों अगर मैं क्रम देखता हूं तो एस से आर माइनस वन ए से वाई माइनस टू एम से जे माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सही है माइनस फोर और माइनस फाइव बिल्कुल सही है इसी क्रम में जो है हमें आंसर निकालना है इसी क्रम में अगर मैं आंसर निकालता हूँ, माइनस वन से आएगा ओ शुरुआत है ओ से तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता माइनस टू से आएगा सर सी आएगा माइनस थ्री किया जाए तो एल आएगा माइनस फोर किया जाए तो एल आएगा माइनस फाइव किया जाए तो जी आएगा माइनस सिक्स किया जाए तो वाई आएगा एक बार पूरी क्लास देख लो कोई क्रम है क्या ऐसा ओ सी एल एल जी वाई बिल्कुल है तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है इस तरीके से सॉल्व हुआ है देख लीजिए पूरी क्लास ये एट नंबर का एग्जाम्पल है अब बढ़ते हैं आगे नाइन नंबर का एग्जाम्पल है नाइन नंबर में क्या सीरीज चल रही है क्या क्रम चल रहा है वो हमको पता करना है तो आइए देखते हैं हाँ जी इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है इसका चलो इसमें पता करते हैं क्या सीरीज है क्या क्रम है आप देखो यहां से बी से अगर मैं वी की बात करता हूं तो ये माइनस सिक्स है यू से अगर जेड की बात करता हूं तो सर ये प्लस फाइव है आई से अगर मैं एन की बात करता हूँ तो सर ये प्लस फाइव है एल से एफ की बात करता हूँ तो माइनस सिक्स है डी से एक्स की बात करता हूँ तो माइनस सिक्स है और ये प्लस फाइव है और यहाँ बात करता हूँ तो ये माइनस सिक्स है सीरीज क्या दिख रही है कि सर सीरीज इसमें मुझे ये दिख रही है कि स्वर जो हैं ए आई e, ओ यू उनमें तो कर रहा है ये प्लस फाइव और व्यंजन जो हैं उनमें कर रहा है ये माइनस सिक्स स्वर में कर रहा है प्लस फाइव और व्यंजन में कर रहा है माइनस सिक्स स्वर और व्यंजन से रिलेटेड एग्जाम्पल हाई लेवल में बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जाने लग गए हैं कोडिंग रिकोडिंग के अंदर तो स्वर में माइनस सिक्स नहीं स्वर में प्लस फाइव और व्यंजन में माइनस सिक्स ये एक व्यंजन है माइनस सिक्स करें जे आएगा कौन कौन से ऑप्शन कटेंगे कि सर डी कट जाएगा और बी कट जाएगा ऑप्शन को देख के देखो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं हकीकत बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर एक ये स्वर है प्लस फाइव करोगे जाहिर सी बात है एफ आएगा ऑप्शन को देख के आंसर आ चुका है मेरा सी ऑप्शन ठीक है पर पूरा एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं ये व्यंजन है माइनस सिक्स एल आएगा ये व्यंजन है माइनस सिक्स करें तो पाँच छः और पाँच ग्यारह ई e आएगा ये प्लस फाइव करें नौ और पाँच चौदह आएगा ये माइनस सिक्स करें चौदह में छः जोड़ें तो आठ आएगा एच आएगा और ये माइनस सिक्स करें तो सर ए आएगा तो देखना सी ऑप्शन जे एफ एल ई एन एच ए बिल्कुल सही है तो मैं कह सकता हूं कि सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है तो आप देख लीजिए सीरीज का क्रम क्या था कि स्वर में हो रहा है सर प्लस फाइव और व्यंजन में जो हो रहा है वो कितना हो रहा है माइनस सिक्स हो रहा है इस तरीके से सॉल्व होगा पूरी क्लास एक बार बोर्ड पर देख लीजिए नाइन नंबर का एग्जाम्पल है अब बढ़ रहे हैं हम आगे टेन नंबर उससे पहले आप बोर्ड पर एक बार देख लीजिए रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है इसको आज ही डाउनलोड कर लेना इसमें फ्री टेस्ट सीरीज फ्री पीडीएफ और कुछ वीडियो जो है वो फ्री क्लासेज मैंने दी हुई है इनको आप देखोगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है साथ के साथ हमने कोर्स भी डिज़ाइन किए हैं नॉर्म नौ, नॉमिनल चार्ज में और वैलिडिटी वन ईयर की दी है वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हैं आप इस्क्रीन ले सकते हैं आप इसमें पी को डाउनलोड कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन जो हैं इसमें उपलब्ध हैं और अभी ऑफर चल रहा है ये मैथ रीजनिंग का कॉम्बो बैच मैंने लॉन्च किया है एप्लीकेशन पे रीजनिंग ऋषि सर नाम से और अभी शुरुआत में मैंने जो है इसमें फीस कम रखी है ओनली एलेवन हंड्रेड रुपीज़ में मैथ रीजनिंग यानी ट्वेंटी एग्जाम्पल आपके मैथ रीजनिंग से आने वाले हैं जिसमें से ट्वेल्व तो रीजनिंग के होंगे और एट मैथ के होंगे इनके लिए जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है इसमें करीबन आपसे कहना चाहूं तो करीबन फिफ्टी प्लस वीडियो जो है वो आपको मिलेंगे और वीडियो भी ऐसा नहीं है छोटे छोटे हैं। काफी बड़े बड़े वीडियो इसमें दिए हैं और बढ़िया तरीके से इसमें समझाया गया है तो आप इसको देखिएगा तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ये टेन नंबर का एग्जाम्पल था क्या लिखा है देखो यहाँ लिखा था इन ए कोड लैंग्वेज ब्यूटी को लिखा जा रहा है डब्ल्यू आर एस वाई सी जेड ठीक है और इसी क्रम में नेचर को क्या लिखा जाएगा वो आपसे पूछ रहा है ठीक है अब इसमें क्या क्रम चल रहा है वो क्रम हमें देखना पड़ेगा बच्चों यहां अगर मैं देख रहा हूं तो यहां से क्रम क्या चल रहा है वो देखें आप अगर यहां देखते हैं बी से अगर W की बात करता हूँ तो कोई क्रम है नहीं और वाई से अगर W की बात करता हूं तो यहां से सीरीज में माइनस टू देखता है मुझे ये क्लियर है भाई तो ये सीरीज में क्या है ये ये माइनस टू है कलर चेंज करते हैं तो यहां से एक क्रम जो है ये माइनस टू का है टी से आर माइनस टू है ये भी माइनस टू है ये भी माइनस टू है ये भी माइनस टू है और ये भी माइनस टू है मतलब ये लास्ट टू वन कोडिंग है और माइनस टू माइनस टू की जो सीरीज है वो चल रही है इसी क्रम में हमें आंसर निकालना है तो यहाँ से माइनस टू करें माइनस टू करोगे तो क्या आएगा बताना जरा माइनस टू करोगे तो, तो सर सी आएगा माइनस टू करेंगे तो पी आएगा माइनस टू करेंगे तो यहाँ पर, तो पर एस आएगा माइनस टू करेंगे तो यहाँ पर आर आएगा माइनस टू करने पर यहाँ पर वाई आएगा माइनस टू करने पर यहाँ पर एल आएगा ऑप्शन सी पी एस आर सी पी एस आर वाई एल यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है तो एक बार देख लो पूरी क्लास तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगला एग्जांपल है इलेवन नंबर इलेवन नंबर में यहां लिखा है सिक्स टू वन नाइन को कहा जाता है सचिन इज ए क्रिकेटर ठीक है और टू सिक्स फोर सिक्स को कहा जाता है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई Which ऑफ द फॉलोइंग इज कोड इज मुंबई इज वेरी फेमस इसका कोड आपसे पूछ रहे हैं अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है उस लॉजिक की अगर हम बात करें तो लॉजिक ये है कि यहां पर सचिन में जो लेटर्स हैं टोटल मिलाकर कितने हैं सिक्स हैं इज में जो लेटर हैं वो कितने हैं कि सर टू लेटर हैं। ये वन है ए का और नाइन क्रिकेटर क्रिकेटर में टोटल लेटर कितने है? कि सर नाइन है तो आजकल देखो बच्चों इस तरीके से एडवांस लेवल में एग्जाम आ रहे हैं जितने अक्षर हैं उतना ही नंबर लिखा है जितने नंबर हैं उतने ही अक्षर हैं सेकेंड वाले में भी यही है ही में टू अक्षर हैं प्ले में टोटल मिला प्लेड में टोटल मिलाकर हैं सिक्स फ्रॉम में टोटल मिलाकर हैं फोर और मुंबई में है सिक्स इसी क्रम में आपसे मुंबई मुंबई में जो आएंगे लेटर्स वो कितने हैं सिक्स इज में कितने हैं कि टू हैं वेरी में कितने हैं फोर हैं फेमस में कितने हैं छः हैं तो आंसर आएगा सिक्स टू फोर सिक्स सिक्स टू फोर सिक्स यानी बी ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है तो एक बार देख लीजिए जितने भी अक्षर हैं उतने ही उसके सामने अक्षर लिखे हुए मतलब जो भी नंबर है उतने ही अक्षर लिखे हुए हैं छ है तो सचिन में अक्षर कितने हैं एक बार देख लीजिए पूरी क्लास ये इलेवन नंबर था तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल अपने सामने कौन सा आ रहा है देखो ट्वेल्व नंबर का है यहां पर आपको कह रहा है वाइन का कोड जो है वो है टी एस जी एम आई डी ठीक है और इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है हाँ भाई अब आपको सीरीज का पता करना है कि क्रम क्या चल रहा है इसमें क्रम देखना पड़ेगा मुझे अगर मैं सीरीज की बात करूं इसके अंदर तो देखो वन टू वन लास्ट टू वन ये दोनों कोडिंग तो हो गई है फेल क्रॉसिंग कोडिंग देखना है मुझे ओ से टी कैसे ला सकते हैं कि सर प्लस फाइव कर दीजिए एम से एच कैसे ला सकते हैं कि सर माइनस फाइव कर दीजिए ये प्लस फाइव कर दीजिए ये माइनस फाइव कर दीजिए ये प्लस फाइव और इसमें माइनस फाइव प्लस फ़ाइव और माइनस फाइव की सीरीज है तो क्या इसी क्रम में आंसर निकाला जा सकता है बिल्कुल सर निकाला जा सकता है यहाँ से अगर प्लस वन करें प्लस फाइव करें तो जी आएगा माइनस फाइव अगर करते हैं तो जे आएगा प्लस फाइव करते हैं तो एफ़ आएगा माइनस फाइव करते हैं तो ओ आएगा प्लस फाइव अगर करें तो एस आएगा माइनस फाइव अगर करते हैं तो भाई साहब डी आएगा ऑप्शन है क्या कोई जी जे एफ ओ एस डी यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ये एडवांस लेवल है इस तरह के एग्जाम्पल जो है क्रॉसिंग कोडिंग में पूछे जाते हैं अब बढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल अपने सामने थर्टीन नंबर का है थर्टीन नंबर में क्या कह रहा है देखो प्रिंट का जो कोड है वो है वाई एम एन आई यू और इसी क्रम में मुझसे मैजिक का कोड पूछा गया है ठीक है मैजिक का कोड मुझसे पूछा गया है अब सीरीज के क्रम की बात करें क्रम क्या चल रहा है इसके अंदर तो वो देख लीजिए पूरी क्लास यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो टी से अगर वाई की बात होगी तो सर ये प्लस फाइव है और ये होता है अपोजिट मन आई से एन की बात करें तो ये फिर प्लस फाइव है और ये हुए सर अपोजिट और यहां से बात करें तो ये प्लस फाइव है या माइनस फाइव है तो टी से वाई प्लस फाइव है एम से एन मन ये अपोजिट हो गया आई से प्लस फाइव किया मैंने और ये भी प्लस फाइव हो गया ठीक है सोलह और पाँच इक्कीस तो ये विपरीत क्रम है एक में और एक में जो है वो प्लस फाइव है ये क्रम चल रहा है ठीक है तो इसमें जो क्रम चल रहा है एक तो अपोजिट वाला क्रम चल रहा है तो ये वाला जो क्रम है वो विपरीत वाला क्रम है तो चलिए एक बार आंसर तो निकालते हैं भाई यहाँ अगर प्लस फाइव करूँ पाँच और तीन आठ एच आएगा ये अपोजिट की बात करें इंडियन रेलवे आएगा प्लस फाइव की बात करें सात पाँच बारह एल आएगा अपोजिट की बात करें जेड आएगा प्लस फाइव की मैं बात करता हूँ तो तेरह और पाँच अट्ठारह जो है वो आएगा आर ऑप्शन एच आर एल एच आर एल जेड आर यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है तो ये लास्ट टू वन सीरीज है देख लो एक बार और लास्ट टू वन में प्लस फाइव है फिर अपोजिट है फिर प्लस फाइव है फिर अपोजिट है ठीक है इसी क्रम में जो है वो आंसर निकालना है हमको बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल जो आ रहा है ये फोर्टीन नंबर का एग्जाम्पल है फोर्टीन नंबर का एग्जाम्पल पर देखते हैं एक बार क्या क्रम चल रहा है यहाँ से ठीक है इससे लिखा जाता है बी डी एफ एन पी वाई क्लियर है और इसी क्रम में आपसे इसका कोड पूछा गया है तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं यहां से एक चीज मैं देख रहा हूं कि इनमें जो स्वर हैं वो ई है और ओ है ई और ओ दिखाई नहीं दे रहा है जबकि सारे व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। अरे बोलो बात समझ में आ रही है ना भाई स्वर दिखाई नहीं दे रहे व्यंजन दिखाई दे रहे हैं व्यंजन कौन कौन से दिख रहे हैं कि मुझको एन दिख रहा है मुझको मुझ मुझ और चार थे ना और एक दिखाई दे रहा है डी डी दिखाई दे रहा है अब यहां आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो तो सर जो स्वर थे उनकी जगह एक जगह एफ आ गया एक जगह पी आ गया तो स्वर थे ई e, e से प्लस वन एफ ओ से प्लस वन पी बिल्कुल क्रम समझ में आ चुका है मेरे क्या क्रम चल रहा है आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इन्हीं को आपको जो है इन्हीं को अगर देखें तो वाई आखिरी में जा रहा है आखिरी में जा रहा है एल्फाबेट बर्ड क्रम में, में। इन्हीं को एल्फाबेट के क्रम में अरेंज करूं तो कैसे अरेंज करूंगा देखना बी बी से बड़ा डी डी से बड़ा ई e, e से बड़ा एन ओ वाई एल्फाबेट के हिसाब से मैंने अरेंज किया और इसके सामने ये कोड आ रहा था अपना बी डी एफ एन पी वाई तो क्रम क्या चल रहा है देखो व्यंजन कॉन्सोनेंट तो ऐसे के ऐसे कॉन्सोनेंट ऐसे के ऐसे और जो बॉबल्स हैं जो स्वर हैं उनमें हो रहा है सब प्लस वन ठीक है आप देखो कॉन्सोनेंट तो की ऐसे ऐसे, कॉन्सोनेंट ऐसे की ऐसे और जो वॉवल्स हैं उनमें हो रहा है प्लस वन यह क्रम चल रहा है तो मैं यहां क्रम लिख देता हूं आपको याद रहे कि स्वर में प्लस वन व्यंजन ऐसे की ऐसे ठीक है ऐसे कैसे व्यंजन को ऐसे कैसे रखना है और एल्फ़ावेटिकली ऑर्डर बर्ड माला के क्रम में किस क्रम में अरेंज किया है एल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इनको अरेंज किया है इसी क्रम में एक बार आंसर निकालने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर देखो इनको एल्फावेट के क्रम में जमाएं सबसे छोटा एल्फ़ावेट है ई ई से बड़ा कौन सा है साहब ई से बड़ा है आई आई से बड़ा अगर देख रहे हैं तो यहाँ एम है एम से बड़ा ओ है ओ से बड़ा पी है पी के बाद में आर है और आर के बाद में एस है टोटल तीन और तीन छः और एक सात अक्षर तीन और तीन छः और एक सात अक्षर सारे आ चुके हैं यहाँ पे अगर बात करें कि स्वर में तो प्लस वन करना है एफ आएगा स्वर में प्लस वन करना है जे आएगा व्यंजन ऐसे की ऐसे एम स्वर में प्लस वन करना है पी आएगा व्यंजन ऐसे की ऐसे पी व्यंजन ऐसे की ऐसे और ये ऐसे की ऐसे ऑप्शन की बात करें एफ जे एफ जे एम पी पी आर एस यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा ये भी एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है अभी लेटेस्ट पूछा है एस एस सी के अंदर वहाँ से उसको मैं उठा के लाया हूँ इस तरह की जो सीरीज है वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है और ये होता है हाई लेवल ठीक है ये एडवांस लेवल होता है और मैंने बता दिया आपको कि अभी तक जो लेवल पूछा गया है वो स्टार्टिंग की दो क्लास से पूछा गया है पर बच्चों ये अभी टाइम है फरवरी में टाइम है अगर हम अच्छे लेवल से तैयारी करेंगे तो फिर क्वेश्चन जो है वो अपना सॉल्व होगा ही अपने 12 में से 12 की 12 सही होने चाहिए मेरा टारगेट ये है ठीक है और मैथ की क्लास भी आपकी जल्दी शुरू करेंगे हम और आठ मैथ में सही होने चाहिए मैथ रीजनिंग में बीस नंबर सही कराने का टारगेट है तो ये लेवल देख लो काम आएगा आपके फोर्टीन नंबर क्लास में है फिफ्टीन की बात करते हैं फिफ्टीन नंबर को आप देखें एक बार क्या क्रम चल रहा है वटर को लिखा जाता है सी डब्ल्यू डब्ल्यू एस सी ठीक है अब इसके अंदर बच्चों क्रम क्या है वो हमें पता करना है कि सर यहां से बी से अगर देखें आप तो ये प्लस वन है यू से देखें तो सर ये प्लस टू है यहाँ से देख रहा हूँ तो ये प्लस थ्री है यहाँ से देख रहा हूँ तो अब ये माइनस वन है अब ये माइनस टू है और अब ये सर माइनस थ्री है तो एक बार वन टू थ्री प्लस में और अब वन टू थ्री माइनस में सेकेंड वाले में क्रम देखते हैं प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री सही है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इसी क्रम में आंसर प्लस वन एम प्लस टू सी प्लस थ्री डब्लू माइनस वन माइनस वन से अगर बात करें तो डी माइनस टू से एल और माइनस थ्री से क्यू एम सी डब्ल्यू डी एल क्यू बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है इस तरीके से सॉल्व हुआ है पूरी क्लास देख लीजिए फिफ्टीन नंबर का एग्जाम्पल है अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है इसको आज ही डाउनलोड करिए और इसमें नॉमिनल चार्जेज में जो कोर्स है वो डिज़ाइन किए गए हैं ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से और सबका सेपरेट पोर्शन है सबके सेपरेट वीडियो हैं और इसमें बहुत मेहनत की है मैंने और आप इनको एप्लीकेशन को डाउनलोड आज ही कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है बढ़ते आगे नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल ये है ठीक है यहां से अगर देखें तो यार यही सारे अक्षर यहां देख रहे हैं तो एक काम करता हूं मैं इसको ऊपर नीचे लिख लेता हूं जिससे क्रम हमारे समझ में आ जाएगा ठीक है इन्हीं को ऊपर नीचे लिख देता हूं जिससे मुझे क्रम इसका जो है वो समझ में आ जाएगा क्या क्रम चल रहा है हाँ जी क्रम को एक बार देख लेते हैं क्या क्रम है देखो कि सर यहां से ओ आया यहां से सी आया ये तो ऐसे कैसे आ गए यहाँ से टी आया यहाँ से आर आया यू से अगर आर की बात करते हैं तो ये माइनस थ्री है ठीक है यू ऐसे के ऐसे जे ऐसे के ऐसे ई ऐसे की ऐसे जी ऐसे की ऐसे और ये सर माइनस थ्री है बिल्कुल इसी क्रम में आंसर चाहिए ये ऐसे की ऐसे ये ऐसे की ऐसे ये ऐसे की ऐसे और ये ऐसे की ऐसे और यहाँ से सर माइनस थ्री करेंगे ए आएगा तो आर ओ ए आर ई आर ओ ए आर ई यानी डी ऑप्शन फिलहाल मैं कह सकता हूं कि डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है तो ये क्रम है पूरी क्लास देख लीजिए इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ सेवनटीन नंबर का हमारा एग्जाम्पल है इसकी अगर हम बात करें तो क्या क्रम है देखें इसमें देखो यही सारे के सारे अक्षर मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं ठीक है पर आई आई जो है वो अलग दिखाई दे रहा है और सारे जो है अक्षर हमारे पास में इधर ही मौजूद हैं सारे के सारे तो एक काम करता हूं मैं लिख तो लेता हूं फिर देखते हैं क्रम क्या चल रहा है ठीक है हाँ भाई एक बार क्रम पता कर लेते हैं क्या सीरीज चल रही है इसमें कि सर डी इधर है ई इधर है और यहां अगर देखा जाए माइनस वन है आई इधर है ये माइनस वन नहीं है ये मन क्योंकि तो आर के साथ आई है ये अपोजिट है बेटा विपरीत ये क्या है अपोजिट है विपरीत तो एक काम करते हैं यहाँ से ऐसे के ऐसे यहाँ से ऐसे के ऐसे और ये है विपरीत अपोजिट ठीक है ये ऐसे के ऐसे ये ऐसे के ऐसे और ये है बेटा अपोजिट विपरीत क्रम अब सेकेंड वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं ये क्रम मिल रहा है क्या हमारे पास में फिर अगर मिल जाएगा तो फिर इसी क्रम में आंसर जो है हमारा आ जाएगा ठीक है तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्रम इसके अंदर मौजूद है डी डी एम ए हाँ जी इसके अंदर क्रम देखना डी एरा ए एरा अपोजिट वन एरा ठीक है साहब एम एरा डी एरा इवनिंग अपोजिट एरा विपरीत क्रम इसी क्रम में आंसर चाहिए तो बीच वाले में जो है वो अपोजिट आ रहा है अपोजिट आ रहा है बीच वाले में अपोजिट इसी क्रम में आंसर चाहिए सर ओ इधर जी इधर आर का आई इंडियन रेलवे क्या है ये अपोजिट है डी इधर यू इधर ये है अपोजिट मन ये इसका सर अपोजिट है तो ओ आई जी डी एम यू ओ आई जी डी एम यू ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है पूरी क्लास देख लें आप एक बार सेवनटीन नंबर का एग्जाम्पल है तो दोस्तों बढ़ते हैं अब की तरफ। अगला आपके सामने आ रहा है। देखो एक बार एटीन नंबर का एग्जाम्पल है क्या कह रहा है इसी क्रम में और इसी क्रम में आंसर चाहिए हाँ जी बोर्ड पर देखो एक बार क्रम क्या चल रहा है भाई यहां से अगर मैं बात करूं अपोजिट एफ का उल्टा होता है यू फादर अंकल एल का उल्टा होता है लव ओ का एल इंडियन रेलवे और आजा इनसे डब्ल्यू क्यू ओ एल सी लाना है कि सर यहाँ से प्लस टू करिए यहाँ से प्लस टू करिए यहाँ से प्लस थ्री करिए यहाँ से प्लस थ्री करिए और यहाँ से प्लस थ्री करिए अब सेकेंड वाले में क्रम देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ से देखो मन लव मन इवनिंग और बॉय यहाँ से प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री क्लियर है इसी क्रम में आंसर चाहिए तो जी टी लव इंडियन रेलवे मन जी टी सही है यहाँ से अगर देखें तो प्लस टू करोगे तो वी आएगा प्लस टू करोगे तो एन आएगा प्लस थ्री करोगे तो आर का इक्कीस आएगा प्लस थ्री करोगे तो तेरह और तीन सोलह आएगा प्लस थ्री करोगे तो डब्लू आएगा वी एन यू पी वी एन डब्लू यानी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है देख लीजिए बच्चों इस तरीके से हुआ है पहले अपोजिट नंबर निकाला है उसके बाद में फिर ये सीरीज बनी है ठीक है तो ये एडवांस लेवल था एटीन नंबर में अब बढ़ते हैं हम नाइनटीन नंबर पे नाइनटीन नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है नाइनटीन नंबर पे आएंगे हाँ जी इसी क्रम में सेकंड वाला लिखा है कुछ क्या बिल्कुल लिखा है क्रम आप पता करें क्रम क्या चल रहा है चलो उसके बाद फिर मैं देखता हूँ क्रम क्या है इसके अंदर आप एक बार ट्राई तो करके देखें कोशिश करोगे तो आ जाएगा हाँ भाई ये एग्जांपल है इसमें क्रम क्या है देखो कि यहाँ से है माइनस थ्री यहां से भी माइनस थ्री और यहाँ से भी माइनस थ्री इनमें क्रॉसिंग कोडिंग में माइनस थ्री माइनस थ्री है यहां से देखें तो माइनस थ्री है ये भी माइनस थ्री है और ये भी माइनस थ्री है तो सही तो है यहां से देखें तो माइनस थ्री है यहां से भी माइनस थ्री है ये भी माइनस थ्री है माइनस थ्री माइनस थ्री की सीरीज है तो -3, -3 इसी क्रम में आंसर चाहिए माइनस थ्री तो उन्नीस में से तीन गए तो आपके सोलह पी इक्कीस में से तीन गए तो अट्ठारह और सोलह में तीन गए तो तेरह एम उन्नीस में से तीन गए तो आपके सोलह तीन गए तो दो और तीन गए तो क्यू कोई ऑप्शन है क्या ऐसा पी एम आर पी पी एम आर पी क्यू बी पी एम आर पी क्यू बी देखो आंसर जो करेक्ट आएगा वो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर आएगा इस तरीके से सीरीज चल रही है नाइनटीन नंबर में बढ़ते हैं आगे ट्वेंटी नंबर की बात करते हैं ट्वेंटी में आप सीरीज पता करें सीरीज क्या चल रही है जब तक मैं इसको लिख देता हूँ एक बार फिर देखते हैं कैसे होगा ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है ना कभी कभी एग्ज़ाम में आता है रेगुलर तो मैं नहीं कह सकता कि हमेशा पूछता है पर आजकल इस तरह से एग्जाम्पल ना पूछने लग गया है तो फिलहाल आप इनको भी देख लोगे तो एग्ज़ाम में किसी और की तरफ़ देखना नहीं पड़ेगा और आप इनको सॉल्व कर दोगे ठीक है ये है क्या क्रम चल रहा है यहाँ पे अगर हम पता करते हैं कि सर ये तो प्लस टू है ये भी प्लस टू है ये जो है आई से टी एन से ओ जी से वी कि ये तो प्लस टू प्लस टू है ठीक है ऐसे तो बन नहीं रहा है ये क्रम तो फेल हो गया इस तरीके से तो आ नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है इसका अपोजिट निकाल लेते हैं कि सर दूध वाला भाई डी का उल्टा है डब्लू दूध वाला ओ का है एल आई का है इंडियन रेलवे मन जी अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये प्लस टू है यहाँ से भी प्लस टू है यहाँ से, से भी प्लस टू है इन सब में प्लस टू प्लस टू है जबकि एल से क्यू प्लस फाइव होता है और यहाँ प्लस फाइव कर दें तो बी आ रहा है सही है तो एक बार मैं आगे भी क्रम इनमें भी देख लेता हूँ क्या क्रम चल रहा है तो देखो आजा इवनिंग बॉय इंडियन रेलवे आजा यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो ये प्लस टू है बिल्कुल सही है यहाँ से भी प्लस टू है यहाँ से भी प्लस टू है ये प्लस फाइव है, है। बाईस और पाँच सत्ताईस पे ए और यहाँ से भी प्लस फाइव है बिल्कुल सही है तो यहाँ से देखो हनी सिंह जी टी लव इंडियन रेलवे मन हाँ भाई देख रहे हो तो अब इसमें प्लस टू आना चाहिए भाई P प्लस टू से K प्लस टू से N ये बेटा प्लस फाइव सात पाँच बारह L ये पाँच आठ पाँच तेरह M M L N K M L N K P एम एल एन के पी यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ये एडवांस लेवल है ट्वेंटी नंबर का एग्जाम्पल था बढ़ रहे हैं बच्चों आगे ये ट्वेंटी वन नंबर का एग्जाम्पल है ट्वेंटी वन में क्या कह रहा है देखिए इसी क्रम में आंसर चाहिए आपको सीरीज का क्रम क्या है क्रम का पता करेंगे अगर इस सीरीज में हम देखें क्रम क्या चल रहा है तो ध्यान देंगे एक बार सभी यहां मुझे समझ में आ रहा है कि सर जी तो ऐसे कैसे ये ऐसे कैसे वाई ऐसे कैसे एच ऐसे कैसे ये अपोजिट और ये अपोजिट ये विपरीत वाला क्रम है अपोजिट वाला क्रम है ठीक है e, ई ऐसे कैसे सी ऐसे कैसे ये है सर अपोजिट आर ऐसे की एस ए वी ऐसे की ऐसे सर ये है आपके अपोजिट इसी क्रम में आंसर चाहिए आर ऐसे की ऐसे एच ऐसे की ऐसे, आर ऐसे की ऐसे, आर ऐसे की ऐसे ये अपोजिट लव और ये अपोजिट है लव एल आर एल एच आर आर एल एच आर एल आर डी ऑप्शन फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है दोबारा देख लो क्रम क्या चल रहा है सबसे पहले पहले और आखिरी अक्षर तीन तीन के पेयर में पे, पहले आखिरी अक्षर को ऐसे कैसे बीच वाले का अपोजिट पहले आखिरी को ऐसे कैसे और बीच वाले का अपोजिट और इसी क्रम में जो है वो आंसर आ रहा है वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो लाइक जरूर करें आप शेयर कर दीजिए जल्दी से और अब बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है बच्चों ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में क्या कह रहा है देखो हाँ जी क्रम क्या चल रहा है क्रम को एक बार हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो क्रम देखो डायरेक्ट तो कोई क्रम बन नहीं रहा है इसमें अब वही अपोजिट निकालना है विपरीत निकालना है कि सर जी टी लव दूध वाला इवनिंग इंडियन रेलवे चलो आ जाओ अब यहाँ से देखें प्लस टू है यहाँ से देखा जाए प्लस टू है सर प्लस थ्री आ गया अब प्लस थ्री आ गया यहाँ से प्लस थ्री आ गया अब सेकेंड वाले में भी चेक कर लेते हैं यहाँ देखना एक बार हनी सिंह इंडियन रेलवे जी टी हनी सिंह जी टी यहाँ से प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इसी क्रम में आंसर निकाला जा सकता है हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से देखें क्रम क्या है तो यहाँ से बॉय इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे मन और जी टी ठीक है जी टी अपोजिट निकाल दिया पहले दो में प्लस टू करेंगे तो सर ए आएगा इसमें प्लस टू करेंगे तो के आएगा इसमें प्लस थ्री करेंगे तो इक्कीस यू आएगा प्लस थ्री करेंगे तो पी आएगा प्लस थ्री करेंगे तो डब्लू आएगा ए के पी और डब्लू ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सटीक आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर होगा पूरी क्लास देख लीजिए ट्वेंटी टू लेवल ट्वेंटी टू है और हाई लेवल का एग्जाम्पल था ये आए हुए एग्जाम्पल हैं देखो बच्चों जितने भी मैं करा रहा हूँ ना ये अब तक जितने भी ऊट पटांग आए हैं कठिन आए हैं सारे एग्जाम इकट्ठे कर लिए मैंने और इनको मैंने एक जगह रख दिया कि जो कुछ अलग जाता है ना वो इनमें से जाएगा इसके अलावा अलग नहीं जा सकता एग्जाम आर एस प्री तो निकलेगा ही अच्छे से नंबर आएंगे ही यूपीएससी दे लो एसएससी दे लो रेलवे दे लो अदर कोई एग्जाम स्टेट लेवल का है वो दे लो रीजनिंग में दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको आप क्लास जो है मेरी रेगुलर अटेंड कर लें और कुछ पैटर्न जो अलग से चलते हैं इनका थोड़ा ध्यान रखें बस और कुछ नहीं है सॉल्व कर दोगे आप हाँ जी यहां पर देखो डी का कोड पूछ रहा है आपसे डी का कोड क्या है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन आ, दोनों में क्या चीज कॉमन है डी इन दोनों में कॉमन है साथ की साथ और कुछ कॉमन है क्या नहीं सर और कुछ कॉमन नहीं है और इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है आप देखिए एट थ्री थ्री कॉमन है तो यहाँ डी का जो कोड आने वाला है वो कितना आने वाला है थ्री ये तो बहुत आसान एग्जांपल था बड़े आराम से सॉल्व हो गया ठीक है अब बढ़ रहे हैं आगे अपन ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करते हैं हाँ भाई क्या क्रम चल रहा है क्रम एक बार आप सभी देखिए ट्राई करिए क्या सीरीज चल रही है क्या क्रम चल रहा है इसके अंदर जिससे अपना आंसर निकाल सकते हैं सर ऐसे जेड कैसे आ सकता है कि सर ये अपोजिट है आ जा हनी सिंह इंडियन रेलवे आजा इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे इवनिंग लव आजा मन दूध वाला यहाँ से मन लव इंडियन रेलवे दूध वाला आजा और बॉय लो भाई एम एल आई डी जेड बी एम एल आई डी जेड बी यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पूरी क्लास देख लो एक बार इस तरीके से जो है ये अपोजिट है विपरीत क्रम है ये सॉल्व होगा ये बच्चों सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट हैं मेरे इन पर अगर आपने ज्वाइन नहीं हुए हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल है बच्चों हमारा ऋषि सर रीजनिंग नाम से इंस्टाग्राम ऋषि सर रीजनिंग रीजनिंग ऋषि सर और एप्लीकेशन भी रीजनिंग ऋषि सर इन सोशल मीडिया अकाउंट पे आप जुड़ जाइएगा मेरे साथ में पीडीएफ क्लास की अपडेट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये सारी की सारी जो है आपको मिलेगी लॉजिकल रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे हर दिन एक डाल रहा हूँ और वो बहुत बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं वही लौट फिर के एग्जाम में पूछता है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए आज यही इजाजत चाहता हूँ आज ये कोडिंग रिकोडिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुका है जय हिंद जय जै भारत राम राम साहब